जय दोस्तों, मैं सीएम क्रिकेट फंडस में आप सबका स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल क्रिकेट फंडस का आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। और है, मैं अपने वीडियो पे पहले ही बोला है कि टीम इंडिया का नया हेड कोच होगा गौतम गंभीर, जिसे हम जीजीबी कहते हैं। अगर आप टीम इंडिया के फैन है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए। टीम इंडिया के क्रिकेट के लिए एक नया एरा का शुरुआत हो गया। इस एरा है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की जोड़ी। गंभीर टीम इंडिया का नया हेड कोच बन गया। टीम इंडिया गौतम गंभीर को अपना नया हेड कोच अपॉइंट किया है अपने 2027 वर्ल्ड कप के लिए। और इसके बीच T20 वर्ल्ड कप 2026, WTC 2025 और चैंपियंस ट्रॉफी भी 2025 में जो खेला जाएगा पाकिस्तान में, इसके लिए गौतम गंभीर को टीम इंडिया ने अपने हेड कोच अपॉइंटेड किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच है। क्या इस बार गौतम गंभीर के साथ रोहित शर्मा की जोड़ी कमाल करेगा या नहीं करेगा, आप कमेंट पर जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले वक्त में तो पता चल जाएगा क्या इस बार गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी टीम इंडिया के लिए कितना शानदार परफॉर्मेंस देगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन आप कमेंट पे जरूर बताइए क्या इस जोड़ी अच्छे है, क्योंकि रोहित शर्मा को गौतम गंभीर हमेशा पसंद करते हैं। जब रोहित शर्मा टीम इंडिया का कप्तान नहीं था तब से बोल रहा था कि अगर रोहित शर्मा टीम इंडिया का कप्तान नहीं तो इसमें टीम इंडिया का दुर्भाग्य है, रोहित शर्मा का दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा एक बड़ा प्लेयर है, बड़ा लीडर है और अच्छे कप्तानी कर सकता। जो क्रिकेटर 5 IPL ट्रॉफी जीता सकता हो, इंडिया को वर्ल्ड कप भी जीता सकता है। हाल ही में रोहित शर्मा ने प्रूव करके दिखाया, 2023 वर्ल्ड कप में फाइनल में गया, आखिरी मैच हारा फाइनल में। 2024 T20 वर्ल्ड कप में तो आप देख ही चुका है कि रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को जिता दिया है। गौतम गंभीर जो IPL में कमाल कर दिया KKR के लिए, क्या इंडियन टीम में वो कमाल कर सकता है नहीं, आप कमेंट पे जरूर बताएं, क्योंकि गौतम गंभीर ने IPL KKR की मेंटरशिप में IPL में KKR को खिताब जिताए, IPL में 2024 IPL में KKR को चैंपियंस बनाया। IPL की इतिहास में गौतम गंभीर का एक बड़ा योगदान है। 2012 का पहला IPL ट्रॉफी KKR को गौतम गंभीर ने दिया, 2014 का IPL ट्रॉफी गौतम गंभीर ने दिया, क्या इस 2024 जो IPL का ट्रॉफी था वो भी गौतम गंभीर की मेंटरशिप की वजह से जीता है, क्या इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप या WTC चैंपियंस ट्रॉफी क्या जीत पाएगा या नहीं पाएगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। क्या गंभीर एक अच्छे खिलाड़ी तो है, अच्छे मेंटर भी है, क्या अच्छे कोच बन सकता है, क्योंकि टीम इंडिया का कोचिंग करना कोई आसान बात नहीं। टीम इंडिया आटो वाले ताज सजाया जाता है, क्योंकि जो भी इसको पहनता है उसके लिए रास्ता कोई आसान नहीं होता है, रास्ता बहुत ही बड़ा मुश्किल है। टीम इंडिया गौतम गंभीर का दिल खोल के स्वागत कर रहा है और टीम इंडिया में गंभीर को लेके बहुत ही ज्यादा उत्सुक है टीम इंडिया के जो खिलाड़ी है। और टीम इंडिया में एक बात यह है कि गौतम गंभीर के साथ विराट कोहली का अच्छा संबंध नहीं है, क्या इस बार गौतम गंभीर की कोचिंग में विराट कोहली अच्छे खेल सकेगा या नहीं, क्या उसके साथ कोहली का संबंध अच्छे बनेगा या नहीं, क्योंकि हम देख चुके हैं 2017 में जब अनिल कुंबले कोच था तब विराट कोहली के साथ संबंध अच्छे नहीं था, इसलिए हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच हार गए थे। क्या इस बार यही सब होगा या नहीं होगा, आप कमेंट पर जरूर बताएं। और गंभीर टीम इंडिया के लिए कितना लकी है ये आप तो जानते हैं, क्योंकि गंभीर ने 2007 T20 फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच रहे, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर ने सबसे ज्यादा हाइस्ट रन की है और गंभीर अपने परफॉर्मेंस की वजह से जाना जाता है। और गंभीर के बारे में एक बात यह है कि गंभीर क्रिकेट के बारे में अच्छा जानकार रखता है। क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया का हेड कोच बनते हैं, क्या टीम इंडिया का और भी क्रिकेट बहुत ही बेहतरीन होगा, इसमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि एशिया का सबसे बड़ा टेस्ट टीम भारत है, टीम इंडिया है। क्या वर्ल्ड जब WTC का फाइनल है वो इंग्लैंड के मैदान पे खेला जाएगा, क्या WTC में इंग्लैंड अच्छे कर सकता है, क्योंकि इंग्लैंड में अच्छे कर सकता है नहीं फाइनल में, क्योंकि जो WTC का सर्कल चल रहा है इसमें जो फाइनल दो फाइनल हुआ वो दोनों फाइनल भारत हार गए, क्या इस बार क्या फाइनल जीत सकता है, ये बारे में जरूर सोचना चाहिए और गौतम गंभीर इस बारे में जरूर सोचेंगे। गौतम गंभीर टीम का हेड कोच बनने के बाद एक जबरदस्त ऐलान किया है। गंभीर ने बोला है हम 3 फॉर्मेट में 3 टीम खिलाएंगे, T20 का अलग टीम होगा, ODI का अलग टीम होगा
टेस्ट का अलग टीम होगा, लेकिन कुछ जो प्लेयर है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है जो काबिलियत के बल पे खेलेगा। जिसका काबिलियत है तीनों फॉर्मेट खेलना वही प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलेगा। और T20 का टीम का कुछ अलग ही होगा इस बार, क्योंकि गंभीर हमेशा चाहते हैं कि तीन फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर जो है उसका अच्छे परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आएगा तीनों फॉर्मेट में फोकस करने के बाद, तो इसीलिए वो T20 का कुछ अलग ही प्लेयर बनाएगा। गंभीर टेस्ट और ODI में कुछ अंतर रखेगा, लेकिन तीनों फॉर्मेट के अलग अलग टीम होने का बहुत ज्यादा चांस है। आपको क्या लगता है तीन फॉर्मेट में अलग अलग टीम होना क्या अच्छी है या बुरी है? अभी तो ये भी घमासान चल रहा है कि रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया का ODI का कप्तान कौन होगा, क्योंकि ODI की कप्तान के रेस में सबसे ज्यादा आगे है KL राहुल, कर्नल लोकेश राहुल और उसके साथ हार्दिक पांड्या। और T20 की कप्तान कौन होगा, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह या ऋषभ पंत? आपको क्या लगता है T20 का कप्तान किसे होना चाहिए? और टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा? टेस्ट टीम में तो अभी KL राहुल का नाम सबसे ज्यादा ऊपर है, क्योंकि राहुल का हाल ही में टेस्ट और ODI में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आप अगर KL राहुल के फैन है तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में लगता है KL राहुल टीम इंडिया का कमान संभालेगा ODI या टेस्ट में। और गौतम गंभीर जब टीम इंडिया का हेड कोच बन गया तब गौतम गंभीर के साथ रोहित शर्मा का एरा शुरू हो गया। इसी तरह आगे जैसे जय और वीरू की जोड़ी चलता था, इसी तरह रोहित और गंभीर की जोड़ी चलेगा। आपको क्या लगता है गौतम गंभीर टीम इंडिया का हेड कोच होने के बाद क्या टीम इंडिया WTC फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल और T20 वर्ल्ड कप और आने वाले जो 2027 जो ODI वर्ल्ड कप है उसमें टीम इंडिया जीत सकता है नहीं, आप जरूर बताएं। क्योंकि गौतम गंभीर एक मैच विनर प्लेयर भी था और मैच विनर मेंटर भी है, कोच भी है। आपको क्या लगता है गंभीर टीम इंडिया के लिए सही है गलत है, आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको वीडियो कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बताएं और आने वाले वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाएं इस बारे में आप कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।